तो गाइज ये है Realme 3। तो फ्रेंड्स ये है Realme 3 स्मार्टफोन जो कि आज लॉन्च हो चुका है March 4 को। तो गाइस इसमें जो है आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक 3 GB और 32 GB वेरिएंट और एक है 4 GB और 64 GB वेरिएंट। तो दोनों की प्राइसिंग जो है, जो फर्स्ट वेरिएंट है 3 GB वाला उसमें आपको 8999 प्राइसिंग देखने को मिलती है और जो सेकंड वेरिएंट है वो है 4 GB और 64 GB जो कि आपको 10999 का मिलता है। तो ये जो दोनों स्मार्टफोन्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे और ऑफलाइन स्टोर्स में भी ये जल्दी देखने को मिलेंगे आपको इस रियलमी के स्टोर्स में। और ये जो स्मार्टफोन है आपका एंड्रॉयड पाई पे रन कर रहा है अभी और जो आप देख सकते हो कलर OS आपका न्यू अपडेट आया है इसमें कलर OS 6। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम इसके अबाउट फ़ोन में और देखते हैं कि आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल नेम, तो Realme 3 आपको मिलता है और वर्ज़न 9 आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपका एंड्रॉयड पाई है। और रैम वेरिएंट जो है ये है 4 GB वेरिएंट और आपको जो है इंटरनल स्टोरेज, जो डिवाइस की स्टोरेज है वो 46.1 GB आपको मिल जाती है फ्री। तो 64 GB वेरिएंट है ये। और अब बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे में आपको एक नया मोड देखने को मिलता है जो कि आपको क्रोमा बूस्ट जिसका नाम दिया गया है, जिससे आप जो कलर्स हैं वो और भी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड और सेल्फी में आपको पोर्ट्रेट मोड, दोनों में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है। रियर में आपको 13+2 का रियर कैमरा दिया हुआ है डुअल और फ्रंट में आपको 13 का फ्रंट कैमरा है जो कि आपका सेल्फी में आपको AI पोर्ट्रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और डुअल वोल्टी आपका ये फ़ोन सपोर्ट करता है और जो आपका प्रोसेसर है इस फ़ोन का वो है Helio P70 जो कि आपका ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको इस प्राइस रेंज में 8999 जो कि इसकी प्राइसिंग है फर्स्ट वेरिएंट की, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। और ये जो फ़ोन है आपको डुअल वोल्टी और आपके सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं इस फ़ोन में, फेशियल रिकॉग्निशन और आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, सारे सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। ये जो फ़ोन है आपको, मैं फिंगरप्रिंट सेट करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि फिंगरप्रिंट का स्पीड कैसा है। तो फिंगरप्रिंट मैं सेट कर लेता हूँ। तो अब जो है फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है और मैं दिखाता हूँ आपको कैसी स्पीड है। तो टच किया और ये अनलॉक हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता कि मैं आपको कैसे, मतलब फिंगरप्रिंट का स्पीड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड सही है। और जो फेस रिकॉग्निशन है वो भी मैंने टेस्ट किया हुआ है दूसरे मॉडल में, तो उसका भी बहुत अच्छा स्पीड है। और अब मैं आपको दूसरा कलर दिखा देता हूँ इसका। तो इसके और भी वेरिएंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे पास अभी था ये था ब्लू वेरिएंट और ये जो है ये है ब्लैक, टोटली ब्लैक आपको मिलता है ये बैक में। और ये उसका एक और वेरिएंट है जो कि है डायनेमिक ब्लैक, जिसमें आपको ग्रेडियंट शाइन देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको ब्लू और पर्पल का शेड मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं थोड़े से इसके कलर OS के बारे में। तो कलर OS जो 6 है आपको इसमें लेटेस्ट वर्जन मिलता है कलर OS 6, और जिसमें आपको ऐप ड्रॉअर मिल गया है। अब जैसा आपको पोको लॉन्चर में मिलता था शायद वैसा ही आपको ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है। जो इंटरफेस है आपका सिमिलर है उसी से, और आपको साइड में आपको जो है एक बटन मिल जाता है जिसमें आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, और एंड्रॉयड पाई का जो गेस्चर है आपको वो भी मिल जाता है। तो नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है नीचे की तरफ, और माइक भी दिया हुआ है। तो साइड में बात करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में लॉक अनलॉक की मिल जाता है, और ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं दिया हुआ, ब्लैंक है। और जो साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। तो ये था इसका फिज़िकल ओवरव्यू। और फ्रंट की साइड आपको नॉच दिया हुआ है और नीचे की तरफ आपको रियलमी दिया हुआ है ब्रांडिंग, और बैक की साइड में आपको कैमराज, डुअल कैमराज मिल जाते हैं जिसमें आपको एक येलो कलर का रिंग भी दिया हुआ है। फ्रंट साइड में आपको नॉच दिया हुआ है और सिंगल कैमरा है, और जो आपके कैमराज हैं मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स ये था एक हैंड्स ऑन वीडियो Realme 3 का। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।